हरियाणा के सिरसा जिले में स्टेट हाईवे 32 पर सोमवार को एक प्राइवेट बस व कार की टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही कार में आग लग गई और चालक जिंदा जल गया। मृतक की पहचान घोड़ावाली निवासी कुलदीप के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हादसा गांव के हरवाला के पास हुआ। बस डबवाली से जीवन नगर जा रही थी। गाड़ी सिरसा के जन कल्याण कॉलोनी निवासी रविंद्र कुमार के नाम रजिस्टर मिली। हादसे में बस में सवार कुछ यात्रियों के घायल होने की बात भी सामने आई है। रानिया थाना प्रभारी उप निरीक्षक साधुराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक कुलदीप सिरसा से अपने गाँव घोड़ावाली जा रहा था। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। आग पर सवारियों ने काबू पाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग की लपटें ज्यादा होने के कारण चालक को बाहर नहीं निकाला जा सका। ग्रामीणों ने भी आग को बुझा का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई भी अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने ही आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बस का नंबर RJ09PA4790 और कार का नंबर HR24AE3281 है। हादसे के बाद आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि हादसे की जांच की जा रही है। कुछ सवारियां भी घायल हुई हैं, जो उपचाराधीन हैं। आरोपी चालक की तलाश में छापेमारी जारी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।